जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। श्री राम के भव्य मंदिर की परछाई में लुप्त हो रहे हैं दूसरे मुद्दे, भ्रष्टाचारियों को देश में उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके भ्रष्टाचार को खोल करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। राजा राम अवध राजधानी गावत गुनसुर मुनि बरबानी। स्वामी तुलसीदास की लिखी ये चौपाई आज उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र पर पूरी तरह खरी उतरती दिखाई दे रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन अवध के लिए तो अयोध्या ही राजधानी और श्री राम उनके राजा हैं। यही कारण है कि इस बार अवध में लोकसभा के सभी मुद्दे अवध के राम मंदिर की चमक के आगे फीके पड़ गए हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। अवध क्षेत्र की 16 संसदीय सीटों में अयोध्या के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली भी शामिल है। मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, उन्नाव, सीतापुर, धौरहरा, लखीमपुर सहित सभी संसदीय सीटों पर चर्चा का केंद्र भव्य राम मंदिर का निर्माण है। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। राम मंदिर के निर्माण ने उत्तर प्रदेश के सभी स्थानीय समस्याओं को पीछे छोड़ दिया है। वहां हर जगह बस राम को अपना मानने की आवाज उठ रही है और अपने अपने राज्यों के बीच राम राज्य की चर्चा चौराहों पर जरूर नजर आती है। भाजपा के लोग राम मंदिर के निर्माण के साथ राम राज्य लाने की बात भी करते हैं। हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है, संत तुलसीदास जी की देन है समाज को एकजुट करने के लिए। मध्य काल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से, और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था, बोलो राजा रामचंद्र की, एक तुलसीदास जी की देन है। तो वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था से लेकर किसानों को हो रही परेशानी के मसले को उठाकर असली राम राज्य लाने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार भाजपा ने 16 लोकसभा सीटों में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। विपक्ष के पास जो 3 सीटें थी उनमें से रायबरेली की सीट कांग्रेस ने जीती थी और अंबेडकर नगर और श्रावस्ती बसपा के पास थी। लेकिन अब की बार भाजपा अवध में 16 सीटों पर जीत का दावा दर्ज कर रही है। वहीं विपक्ष भी अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहा है। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता, सत्ता आती है जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। अवध क्षेत्र पूर्व मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी परिवार की विरासत के लिए भी चर्चा में रहता है। लखनऊ में अटल की विरासत को आगे बढ़ा रहे राजनाथ सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। यहाँ एक सामान्य जनप्रतिनिधि त्वरित लाभ की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है
वही माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता उन्हें चीजों को दूरगामी दृष्टिकोण से आने वाले हजार साल के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के नेतृत्व नभ में सबसे देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं। गांधी परिवार की विरासत रायबरेली की सीट पर अभी भी सस्पेंस कायम किए हुए है। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अवध में आखिर कौन सी पार्टी अपनी जीत का परचम लहराती है। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।